स्कूबा डाइविंग करने की प्रेरणा तो मुझे बचपन में मिली थी जब मैं डिस्कवरी चैनल में देखा करता था कि किस तरह से गोताखोर पानी के अंदर जा कर के नई नई चीज़ें तलाशते रहते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अगर जिंदा बच गया तो लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में जिस तरह से अर्जुन के किरदार को दिखाया गया है कि वह पानी में गोता लगाने के बाद खुद को एक बदला हुआ अनुभव करता है, तो उससे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मुझे इस चीज़ को एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर मेरे मित्र और मैं, हम दोनों ने यह प्लान बनाया कि चलो चलते हैं और इसे ट्राई करते हैं। कापू का स्कूबा डाइविंग पॉइंट उडुपी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हम 8 बजे सुबह तक पहुँच चुके थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने यहाँ की लोकल साइट सीइंग की और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लाइट हाउस है उसे भी देखा। वेस्ट कोस्ट एडवेंचर्स, जो कि यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इनका शैक मैंने पहले से देख रखा था तो उसे ढूंढने में मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा स्वागत हमारे मेन इंस्ट्रक्टर सार्थक ने किया और हमें वेवर फॉर्म्स फिल करने के लिए दिए। इसके बाद हमें इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से हम पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और बाकी बचाव के कुछ कुछ नियम कानूनों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया। और इसी के साथ हमारा सिलसिला शुरू हो चुका था और समुद्र अपनी ओर हमें आकर्षित कर रहा था और हम सभी ने अपनी अपनी तरफ से छोटा छोटा योगदान इसमें देना शुरू किया और एक मानव श्रृंखला बना करके जो सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर और खाने पीने के पदार्थ थे उन सभी को हम लोगों ने इसके जहाज़ तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे पानी की लहरें बड़ी होती गईं, उसी तरह से हमारी उमंगों की लहरें भी बढ़ती चली जा रही थी। कापू के तट से 8 किलोमीटर दूर वह स्थान था जहां पर हमें गोता लगाना था और यहां पर पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। इस बीच हमें खाने पीने की चीज़ें भी दी गईं और एक बार फिर से इस बात का ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरह से अंदर में सांस लेना है और किस तरह से अपने मास्क को क्लियर करना है अगर मास्क में पानी आ जाए तो। चूंकि हमारे गोता लगाने में अभी नंबर आना बाकी था तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं पानी में उतर के पानी का आनंद लिया जाए। और देखते ही देखते हमारा मौका आने वाला था और हम लोग नाव पर वापस से चढ़ गए थे देखने के लिए कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं और हमारे ऊपर भी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगाए गए और फिर हमें पानी के अंदर भेज दिया गया। पानी के अंदर डुबकी मारने से पहले आपको पीछे की तरफ छलांग लगाना पड़ता है बिल्कुल इसी तरह से और आप पानी के अंदर हो जाते हो और फिर धीरे धीरे आपको इंस्ट्रक्टर्स पानी के नीचे ले जाते हैं और पूरे समय आपके साथ बने रहते हैं। इस छोटी सी दुनिया में मानो हम खो से गए थे। पानी में गोता लगाने के बाद ही यह पता चला कि जो गोता लगाते हैं उन्हें कैसा महसूस होता है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में अर्जुन जब पानी में गोता लगा करके बाहर निकला था तो उसके बाद पूरी तरह से शांत हो चुका था। इस अनुभव ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था और कुछ हद तक हमें भी इस अनुभव ने बदल दिया। इस पूरे एक्सपीरियंस को हम ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे और पानी के अंदर किस तरह से वो आधा घंटा बीता यह बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसा लगा कि मानो अभी नीचे गए हों और अभी हमें ऊपर ले आया गया हो। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो,
तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोली अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समां देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अगर हो सके तो आप भी इस अनोखे अनुभव का आनंद ज़रूर लें।